दोस्तों जहां एक ओर सारी जगहों पर भारत और चाइना के बॉर्डर को लेकर तरह तरह की खबरें निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी ओर सभी भारतीयों को खुशी देने वाली खबर निकल कर आई है। आपको पता ही हो तो पिछले हफ्ते खबर आई थी कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व 493 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया था, जो उस समय तक ऑल टाइम हाई था। लेकिन इस सप्ताह इसमें और इजाफा हुआ है और भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 बिलियन यूएस डॉलर को पार कर गया है और 502 यूएस बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इसी के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनका विदेशी मुद्रा भंडार हाफ ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। अब भारत केवल चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड और रशिया से ही पीछे है और इस तरह भारत विदेशी मुद्रा भंडार में दुनिया में पांचवें नंबर पर पहुंच गया है। दोस्तों एक्सपर्ट्स की माने तो इसका मुख्य कारण वो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो कोरोना के कारण चाइना से अपने पैसे निकाल भारत में इन्वेस्ट कर रही है। जहां दुनिया में चाइना की छवि में गिरावट आई है, जिससे भारत जैसे उभरते हुए बाजारों में इसका असर देखने को मिल रहा है। फिर भी दोस्तों अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना हमसे काफ़ी आगे है। उसका वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है, जो भारत से आज भी 6 गुना ज़्यादा है। ऐसे में हम सब भारतीयों का फर्ज बनता है कि चाइना जिस तरह से अपनी विस्तारवादी नीति व बुली करने की हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, हमें चाइनीज सामानों का बहिष्कार करके चाइनीज इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा, तभी चाइना समझ पाएगा कि भारत को आंख दिखाना चाइना को कितना नुकसानदायक हो सकता है। और अगर हम सब 130 करोड़ भारतीय मिलकर कोई काम करने की ठान ले तो दुनिया के किसी भी देश में दम नहीं जो भारत को आंख दिखा पाए। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और रिजेक्ट चाइनीज आइटम मैसेज को जितना हो सके उतना फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।